लिमिट नहीं होगी इलाज करवाने की। हमने आरजीएसएस लागू कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज लागू किया राजस्थान के अंदर भी कर्मचारियों के लिए, अब उनको कोई तकलीफ नहीं वहां पर। तो कई फैसले ऐसे राजस्थान में किए, हम चाहेंगे गुजरात में मौका कांग्रेस को मिले। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट, हम लोगों ने चर्चा कर ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ करके, हम चाहेंगे जो अच्छी स्कीमें हैं चाहे राजस्थान की हो और किसी प्रदेश की क्यों नहीं हो, वो तो तमाम स्कीमें गुजरात हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि 27 साल में हम 70 बार हैं। हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस दें यहाँ पर और जनता को बताएं कि बीजेपी की सरकारों में और कांग्रेस की सरकारों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है, ये हमने तय किया है। तो इसलिए एक के बढ़ के एक हमने योजना लागू करी है, अच्छा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे तमाम जो वचन हमने दिए आपको वो वचन यहाँ पर पूरे हों, एक मौका कांग्रेस को मिले और जो मिलना चाहिए। यहाँ तो काला झंडा दिखा दो प्राइम मिनिस्टर को और लोग जेल में जाते हैं, पासा लग जाता है, ऐसा कभी होता है क्या देश के अंदर? अरे काला झंडा दिखाने नजर नहीं लगती है। कल ही मैं कह रहा था एक मीटिंग के अंदर, काला रंग किसे कहते हैं? माँ अपने बच्चे को काले टीका लगाती है, काला रंग वो भी आप बताइए, उसको लेके इन्होंने मुकदमे दायर कर दिए। अरे हम तो लोकतंत्र में आलोचना, धरने, प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, ये तो एक प्रकार से आभूषण है लोकतंत्र का। आलोचना सुनने की ताकत चाहिए आदमी को, इनमें टॉलरेंस पावर नहीं है। लोकतंत्र के अंदर गांधी जी भी कहते थे सबसे बड़ा गुण होना चाहिए टॉलरेंस पावर रखना। ये बीजेपी का कल्चर है, वो टॉलरेंस नहीं रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं। और कांग्रेस वालों इतने बड़े दिल होते हैं, कोई भी तरह से सरकार में आने के बाद में ना तो कोई बदला लेते हैं उनसे किसी से, हम अपना काम करके गवर्नेंस देते हैं और जनता की भलाई के काम करते हैं।